145 सीधे प्रश्न कर लूं मंत्री जी को? 2 मिनट पढ़ने दें आप। है मंत्री जी बोलने दें बेटा, आप मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा प्रदेश के शहीद हुए सैनिक अर्धसैनिक बलों के परिजनों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का विवरण परिशिष्ट कह पर संलग्न है। विगत 3 वर्षों में आतंकी घटनाओं, दुर्घटनाओं एवं अन्य आपदाओं के में प्रदेश के 34 सैनिक शहीद हुए, जिनके नाम शहीद सूची का विवरण परिशिष्ट कह पर संलग्न है। जी हाँ, शहीदों के परिजनों को लंबित सहायता का विवरण परिशिष्ट कह पर संलग्न है। सरकार द्वारा लंबित सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु उस कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया बिंदु संख्या 3 के परिशिष्ट गांव में, जिसमें उनके बताए अनुसार 23 प्रकरण तो सिर्फ 3 वर्ष से विचाराधीन है, शेष या तो कलेक्टर के पास लंबित पड़े हैं या अन्य विभागों में उलझे हुए हैं। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये शीघ्र कब पूरा होगा और मंत्री जी इसका समय निर्धारित करेंगे क्या, क्योंकि शहीद हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और उनके परिजन जिस तरीके से आज परेशान हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय कोटा में प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा प्रश्न है, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अमर शहीद एमराज मीणा की अंत्येष्टि में क्या सरकार के द्वारा उनके परिजनों को कोई घोषणा की गई थी वहां सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा? और आप कितने प्रश्न पूछे बैठे हैं मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, हम शहीदों को जो जमीन 25 बीघा अलॉट करते हैं, उसमें कुछ लोग तो जाके वहाँ जमीन देखने के बाद उनको पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को कलेक्टर और रेवेन्यू के अधिकारियों के लेवल पर कोऑपरेट नहीं किया जाता, और इस मामले में हम शहीदों को 25 लाख रुपए 25 बीघा जमीन या 25 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड का मकान या फिर 50 लाख रुपए देने का राज्य सरकार का प्रावधान है, और ये कलेक्टर के लेवल पर कुछ रेवेन्यू के अधिकारियों के द्वारा शहीदों को सच में कोऑपरेट नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रतिनिधि उनके घर पहुंचे थे हेमराज मीणा जी की अंत्येष्टि के समय, उस समय ये वादा था कि उनके परिवार उनके घर तक बात होगी। प्रश्न पूछे आप माननीय, सड़क बनाने का क्या सरकार के प्रतिनिधियों ने वादा किया था, और वहां पर जो मूर्ति स्थापना का विषय था तो वहाँ क्या उनकी मूर्ति स्थापना हो गई, तथा उनका जो विद्यालय जिसमें वो पढ़े थे वहाँ पर क्या उनके नाम से सैनिक कल्याण बोर्ड ने कुछ वादा किया था? क्या सैनिक कल्याण विभाग ने क्या जनप्रतिनिधि ने वादा किया? वादा विभाग ने किया था, जनप्रतिनिधि ने किया था? सरकार के प्रतिनिधि साहब, सरकार। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित